मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जाखा पुल पर भारी बारिश के बावजूद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर साइकिल लेकर उफनती नदी पार करने पर मजबूर हैं। कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के स्कूल की छुट्टी करने के निर्देश दिए हैं और अपील की है कि बच्चे या बड़े कोई भी उफनती नदी या पुल पार न करें। रतलाम में भी रात भर ऐसी ही बरसात हुई कि सुबह तक शहर की सूरत ही बदल गई। पूरे शहर में घुटनों तक पानी भर गया, सड़कों पर गाड़ियों के पहिए डूब गए, रेलवे स्टेशन भी पानी की मार से नहीं बच पाया। प्लेटफॉर्म पर पटरियों के ऊपर इतना पानी है कि ट्रेनों का आना मुमकिन ही नहीं, कई गाड़ियों को बाहर से ही डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा शहर को आसपास के इलाकों से जोड़ने वाले तमाम पुल भी डूबे हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन पर आवाजाही कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में तो सैलाब ने एक शख्स की जान ही ले ली। उफनते नाले में फंसी एक कार बहकर दूर निकल गई। बाद में नदी किनारे पेड़ों में फंसी कार बरामद हुई, लेकिन तब तक कार सवार दम तोड़ चुका था। उसका शव कार से थोड़ी दूर पर बरामद हुआ। सागर में तो 10 दिनों से बूंदे नहीं थमी। लगातार बारिश की बदौलत छोटे मोटे बरसाती नाले और पोखर इतने विकराल हो चुके हैं कि सड़कें पुल सबको निगल गए। मजबूरी में लोग पानी में डूबे पुलों के ऊपर से ही आवाजाही कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी रोज यहीं से जोखिम उठा रहे हैं।